नौ दिवसीय आध्यात्मिक अलविदा तनाव शिविर के माध्यम से ब्रह्म कुमारी पूनम प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ द्वारा दुर्ग में तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के गुण बताए गए। दुर्ग शहर में संपूर्ण जनमानस के जीवन में टेक दुर्ग शहर में संपूर्ण जनमानस के जीवन से तनाव की मुक्ति तथा खुशी व उमंग का संचार कराने के उद्देश्य को लेकर ब्रह्म कुमारी से दुर्ग के द्वारा पहली बार इंदौर से आई प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्म कुमारी पूनम बहन के सानिध्य में अलविदा तनाव शिविर का नौ दिवसीय आयोजन दुर्ग के गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी में 7 मई से 15 मई तक प्रतिदिन 7 बजे आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तनाव से मुक्ति की राह बताने तथा तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने गुण सिखाए जाएंगे। साथ ही निःशुल्क तनाव मुक्ति एवं राजयोग मेडिटेशन अनुभूति शिविर भी कराया जाएगा। इस संबंध में ब्रह्मा कुमारी बहन कुमारी पूनम ने पत्रकार वार्ता में इस शिविर की विशेषताएँ के बारे में बताया, साथ ही तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक सहारा है बताया। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हृदय रोग एवं तनाव को दूर भगाया जा सकता है। इस संबंध में प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ कुमारी पूनम बहन और ब्रह्मा कुमारी संचालिका रीटा बहन ने प्रतिक्रिया दी। और स्थान पुरानी गंज मंडी गंजपारा, और जिस हिसाब से हम हजारों से मिल रहे हैं तो 5,000 से भी अधिक लोगों के आने की उम्मीद दिख रही है। इसमें विशेष हर आत्मा को खुशी, शांति और प्यार की अनुभूति कराई जाएगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से मुक्ति होगी। और बहुत दिनों में आप देखिएगा कि दुर्ग की बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी, और आप सब स्वयं ही हमको थैंक्स देने आएंगे। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, इंचार्ज दुर्ग ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दुर्ग शहरवासियों के लिए 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम अलविदा तनाव शिविर का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य है कि वर्तमान समय तनाव के कारण जीवन में जो अव्यवस्थाएं हो गई हैं, दुख, अशांति, उदासी, निराशा छा गई है, कैसे उसको आध्यात्म की शक्ति के द्वारा दूर किया जाए। जो आज तरह तरह की बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन आदि आदि, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। इस शिविर के अंदर प्रतिदिन तरह तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, खुशियों का उत्सव, आनंद उत्सव, परिवर्तन उत्सव आदि आदि। तो ब्रह्मा कुमारी का ये प्रयास है कि इन उत्सवों के द्वारा दुर्गवासियों के जीवन के अंदर एक नया उत्साह, ऊर्जा और उमंग भर दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।